99 में पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई जहां जीती गई थी, आज मैं उसी स्पॉट के नीचे एक घर में रुका हूं। ये है द्रास, इंडिया की कोल्डेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट कोल्ड इनहैबिटेड प्लेस, जहां सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है -40 से -45 डिग्री सेल्सियस। ठंड इतनी कि लोकल्स को अपने घरों को ऐसे फोम और पन्नियों से पैक करना पड़ता है ताकि सर्दी से जरा राहत मिल पाए। अब इतनी सर्दी में कोई कैसे ही रहता होगा। यही सोचकर जब मैं द्रास घूमने निकलता हूं, तो इन कुछ भाइयों से मिलता हूं, जो स्नोफॉल में भी वहां के लोकल स्पोर्ट्स आर्चरी को एंजॉय कर रहे थे। जरा आगे बढ़ता हूं, तो इतनी ठंड के बावजूद मार्केट भी सारी खुली मिलती है। थोड़ा और आगे चलता हूं, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये है यहाँ के लोकल्स 26 जनवरी को पूरे जोश से सेलिब्रेट करते हुए। जी हाँ, 26 जनवरी को मैं द्रास में बैठा था और ये वीडियो आने में बहुत देरी हो गई है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर कारगिल और द्रास का नाम सुनकर मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या इमेज आती होगी, पर जो भी आता होगा आई एम श्योर कि वो इतना खूबसूरत तो नहीं होता होगा।